हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो सो रियलमी 12 प्लस फ़ोन है, तो रियलमी 12 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में ऐप्स वगैरह को कैसे अनहाइड कर सकते हैं और कैसे ऐप्स को स्क्रीन पे शो कर सकते हैं अपने रियलमी 12 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम बताने वाले हैं ऐप्स वगैरह को कैसे अनहाइड कर पाएंगे और कैसे अपने फ़ोन में शो कर सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि रियलमी फ़ोन में ऐप्स वगैरह को अनहाइड कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने रियलमी 12 प्लस फ़ोन में ऐप्स को कैसे अनहाइड करेंगे, तो सिंपली सेटिंग शो हो रहे हैं तो आपको जाना होगा प्राइवेसी पे। प्राइवेसी पे जाकर प्राइवेसी सेटिंग से आपके फ़ोन में आ जाएगी, जहाँ से परमिशन मैनेजर सेटिंग भी शो होती है। तो प्राइवेसी पे जाना है तो यहाँ पर सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से हाइड ऐप्स पे जाकर ऐप्स को आप अनहाइड कर सकते हैं और स्क्रीन पे भी शो कर सकते हैं। बस इस पर इस तरीके से पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड इस तरीके से जो भी आपने पासवर्ड डाल रखा है वो डाल देना है, और इस तरीके से ऐप हाइडिंग्स ऐप पासवर्ड आ जाएगा, जिसको आप इस तरीके से ऑफ करके ऐप्स को अनहाइड कर सकते हैं। जैसे हम ऐप्स को ऑफ कर देंगे तो जो भी ऐप्स अनहाइड हो जाएंगे और आपके स्क्रीन पे शो करेंगे। तो इस तरीके से ऐप्स को अनहाइड कर सकते हैं, स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऐप लॉक भी लगा सकते हैं। सिंपली इस तरीके से पासवर्ड ओपन करते हैं तो यहाँ से किसी भी ऐप्स का लॉक कर सकते हैं। इस तरीके से ऑन करके आपके जो भी ऐप्स हैं लॉक कर सकते हैं। आपको बस इसको ऑन करना है, फिर आप ऐप्स को लॉक कर पाएंगे। इस तरीके से अनलॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐप्स को भी हाइड कर सकते हैं, ऐप्स भी लॉक कर सकते हैं अपने रियलमी 12 प्लस फोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।